या कोई सेवादार है, ऐसे गांव ही मेरा नहीं है, सबसे रूरल एरिया है, ना नेटवर्क का सुविधा ना कोई संसाधन का सुविधा, ऐसे एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ। दूसरी बात, मैं एक किसान परिवार से हूँ, तो जैसे धीरज सर आप लोगों को बता रहा था कि किसान का दर्द या गांव का समस्या एक किसान ही या एक किसान की बेटी ही समझ सकती है। जैसे मेरा प्रखंड क्षेत्र में जो जितना भी परिवार है खेती बाड़ी करके ही उन लोगों का जीविका चलाने का मुख्य ये है, इनकम सोर्स है। तो उनमें से जैसे पानी के बिना कुछ काम नहीं होता है, ना मनुष्य या जानवर जी सकता है या कुछ किसान खेती कर सकता है, कुछ नहीं होता। जैसे नदी नदियों से मेरा गांव बीच में है, ये बचपन से मैं देख रही थी कि पहले नदी नाला में पानी बहता था, धीरे धीरे हम देखते गए कि नदी नाला का जल स्तर घटते गया। सो मैंने सोची कि पानी जो बरसा हो रहा है, पानी को जो बहता हुआ पानी को रोक करके रख करके, तो वो पानी कैसे उपयोग किया जाए, उसके लिए मैं सोचे। तो इसके लिए पहले मैं तो अपना गांव में एक महिलाओं का संगठन बनाए और वो हम पंजीकृत किए, और उसके बाद मैं टाटा स्टील फाउंडेशन से मैं तालाब निर्माण का हम आवेदन किए। तो उसके बाद जैसे कि मेरा प्रखंड क्षेत्र में अभी तक 79 तालाब निर्माण कर चुके हैं, तो उनमें से 3000 परिवार को लाभान्वित हुआ है सिंचाई से या कोई मवेशी पालन से, बकरी पालन से, बतख पालन से, मछली पालन से, किसानों को अपना आजीविका बढ़ा रहा है। दूसरी बात, खास करके ये सबसे बढ़िया चीज हुआ, जैसे कि मेरा क्षेत्र में चापाकल और कुआं का जल स्तर जो नीचे घटता गया उसका जल स्तर ऊपर आने लगे। जैसे एक काम बोलने से साधारण नहीं है, एक रूरल एरिया, एक आदिवासी क्षेत्र के लिए, एक पहाड़ी क्षेत्र के लिए और महिला होने के नाते ऐसे काम करने के समय भी हमको बहुत सारे दिक्कतें आई हुई है। एक तो आप लोग जानते होंगे पूर्वी सिंहभूम जिला का गुड़ावंदा प्रखंड एक नक्सलियों का एरिया है, उस क्षेत्र में काम करने के दौरान जो समस्या या दिक्कतें हमको पेश करनी पड़ी है वो तो बहुत ही गंभीर था। जैसे कि जान से मरने का धमकी तक हमको दिया गया था, फिर भी मैं अपने एरिया को डेवलप किया, आजीविका को बढ़ाने के लिए जो काम कर रही हूँ उसे मैं पीछे नहीं हटी और हम काम करते गए, और जितना बाधाएं मेरे ऊपर आ रही थी प्रशासन गवर्नमेंट और संस्थाएं कंपनी हमको मदद किए और मेरे साथ या मेरे व्यवहार के साथ कुछ उन्होंने नहीं हुआ। जैसे कि पानी का बचाव का काम किए, उसके लिए सीआईए फाउंडेशन के तरफ से हमको वोमेन एग्जाम्पल प्राइज मतलब कि पुरस्कार अवार्ड भी दिया गया है, और फिलहाल जो 2021 में यूएनडीपी से भी हमको वाटर चैंपियन का अवार्ड मिला है, और उससे पहले 2017 में सिर्फ पानी स्टोरेज का ही हम काम किए, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आजीविका सोशल वर्कर का भी मैं काम की हूँ, 2017 में भानोरी नीलकंठ से जैसे कि सोशल वर्कर का अवार्ड भी हमको मिला है। बस तो